तो हेलो स्टूडेंट्स, अब जो देखिए थ्योरम, अभी अभी हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम 1.4 सीखा था। अब देखिए, मैंने इसीलिए ये वीडियो का जो भी थियोरी है नहीं लिखा, क्योंकि ये थियोरी में हम छोटे मोटे चेंजेस करने वाले, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो देखिए, ये वीडियो आपको देखने से पहले आपको पिछला वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस वीडियो में कुछ काम बच ही नहीं गया, इस वीडियो में ये छोटे से छोटा वीडियो बनने वाला है। तो लास्ट वीडियो, क्योंकि मैंने आपको जितना मेरे से बन पड़ा उतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, बस छोटे मोटे चेंजेस। देखिए, ये बॉक्स भी बना रखे मैंने हर जगह, आपको बॉक्स दिख रहे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ये यहाँ क्या करना है, ये बॉक्स से वहाँ चेंजेस करने, बराबर ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वीडियो में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी काम करना था हमने लास्ट वीडियो में कर दिया। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। ओके, अब इस वीडियो में देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 हम करने वाले, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या करना है, रोट 2 नहीं है, रोट 3 है, जिसको हमें प्रूव करना है ना, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 को इरेशनल साबित करना है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रारी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 3 को देखिए यहाँ पे रूट 2 की जगह पे क्या कर देंगे, रूट 3 इज रैशनल। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, उसको रैशनल मान लिया, जो आपको पता है कि आप गलत एज्यूम कर रहे हो, कोई बात नहीं, बस आप एक बार गलत एज्यूम कर रहे हो ये साबित कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि रूट 3 रैशनल है। देखो रूट 3 आ गया, वी कैन फाइंड सम इंटीजर आर एंड एस सच दैट, कि जो रूट 3 को डिवाइड हो सकता है आर डिवाइड बाय एस, बराबर। अभी देखिए इस वीडियो में आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना, तो ये वीडियो आपको 100% समझ आने वाला है, बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना, तो फिर ये वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन इसमें मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं, है ना। बस तो देखिए क्या क्या चेंजेस करने में आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूँ, रूट 3 इक्वल टू आर डिवाइड बाय एस आ गया। सो आर एंड एस मे हैव सम कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर होगा अदर देन वन, अब कॉमन फैक्टर होगा तो कैंसल आउट होगा ना, तो कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए सो वी डिवाइड करेंगे आर एंड एस को उनके कॉमन फैक्टर से, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए बाय बी मिलेगा ना, बर किसका रूट 3 इक्वल टू मिलेगा ना, रूट 2 नहीं आएगा, बराबर, रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी मिलेगा। अब ए और बी क्या हो गए, देखो अंडरलाइन किया हुआ, ए और बी आर द को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो कैंसिल आउट हो गया नहीं, अब ये फुल एंड फाइनल आंसर है ए बाई बी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करने से रूट 3 को स्क्वायर करने से 2 नहीं 3 आएगा, ओके, सो 3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी, सो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये चला गया 3 डिवाइड में। देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू फिर थ्योरम 1.3 क्या हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ए बी, ये कौन बता रहा है अपने को, थ्योरम 1.3, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बराबर। तो वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिए, ओके। सो लेट, अब क्या करेंगे, हमने क्या एज्यूम किया कि 3 डिवाइड ए है ना, तो एक 3 जो है ए को डिवाइड कर सकता है ना, तो एक डिवाइड में 3 ये हो सकता है, पॉसिबल है, तो उसको मैंने नया नंबर मान लिया सी, तो ये ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c नहीं 3c हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं भाई, पुटिंग द वैल्यू, अब ये ए इक्वल टू 3c इक्वेशन 1 में डाल देते, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 3c डिवाइड बाय 3, ओके, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा ना अपने को, ये 3 है, ये 9 है, सो 3 3 9 आएगा, ओके, और जो बॉक्स है उसको मैं रहने देता हूँ थोड़ा सा, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3c² आएगा, और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, देखो ये 3 b² के डिवाइड में चला जाएगा, तो b² डिवाइड बाई 3, यहाँ पे पलटा दिया है c² को यहाँ, b² बाई 3 को यहाँ लिख दिया है, और b² को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई, देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 3 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 बी को भी डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब भाई ए एंड बी हैव सम कॉमन फैक्टर 2 नहीं 3, बराबर ना, 3 है अदर देन 1, इसका मतलब ए और बी के बीच में हमने तो क्या माना था, को प्राइम माना था ना, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं ऐसा माना था भाई, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया साबित, ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, कौन सा है, 3 है, जो दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, ये कहाँ से आ गया,
ये इसलिए आया क्योंकि हमारा assumption wrong है. ओके, सो दिस contradicts द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन ए, अदर देन वन, सॉरी वन के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, है ना. और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज, एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अवर फॉल्स एजम्पशन दैट जो रूट थ्री हमने माना था ना भाई कि वो रैशनल है. सॉरी यहाँ पे रैशनल आएगा, तो लास्ट वीडियो में भी ये गलती हो गई है तो सुधार लेना. रैशनल, रैशन नहीं, रैशनल. ओके, सो यहाँ पे ये साबित हो गया क्योंकि हम गलत साबित हो गए. हमने एजम्पशन लिया ना रूट थ्री रैशनल, ये गलत साबित हो गया. इसका मतलब अब एक ही चीज़ बचा, रूट थ्री इरेशनली होगा, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है. ओके, तो देखिए इस वीडियो में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. उसी तरह अगर आप ये मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लोगे, सीख लोगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आपको आने वाले क्वेश्चंस में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं. आपको एज इट इज स्टेप्स को कॉपी करने हैं, बस छोटे मोटे टू के जगह पे थ्री जैसे चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना. तो आई होप कि आपको ये जो सम है ये समझ आया. तो आप ये जो सम है ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यू है, इसीलिए बराबर. तो ये दो वीडियो का मिक्स आज का जो टॉपिक है. ओके, तो अगर सिर्फ आपने यही वीडियो देखा तो मुझे 100% श्योर है कि आपको आधी चीज़ भी समझ नहीं आई होगी, बट जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसको ये चीज़ आज पूरी समझ आई होगी, ऐसा मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ. ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेता हूँ मैं क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जैसे कि एग्जांपल नंबर, सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 तो हो गया हमारा, रूट थ्री इरेशनल साबित. ओके, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल 10 और 11 भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 10 करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 11 करेंगे, फिर जो एक्सरसाइज 1.3 हम वो सॉल्व करेंगे. ओके, तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारे वीना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टडी रिलेटेड जो वीडियोस है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है 10th का, 9th का, 8th का, बराबर, और आगे जाके 11th और 12th का, और इवन जो मैकेनिकल इंजीनियर के जो भी मैथ्स के वीडियोस है, और जो भी दूसरे सब्जेक्ट है, थियोरी ऑफ मशीन, मशीन डिज़ाइन, ये सारे वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं. बट ये जो काम है ये प्रोग्रेस क्या है बहुत धीरे धीरे है, तो वो चल रही है. ओके, तो जल्द ही ये सारे वीडियोस आपके सामने दिखेंगे, बट इसके लिए कुछ टाइम लगेगा. टाइम बोले तो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल भी लग सकता है, बट ये चीज़ धीरे धीरे. तो अभी तो क्या स्कूल का काम चालू है, तो स्कूल के वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे, बराबर. ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2-3 महीने में स्कूल का काम तो हम ख़त्म कर देंगे. जो भी मैथ्स का है, मोस्ट ऑफ द 8, 9, 10 के वीडियोस तो आपके सामने आ ही जाएंगे, सारा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या कि आप तैयारी कर सको बिना कोई पैसे दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ सीख सको. ओके, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, जय हिंद.